सुपारियों का उपाय बता रहा हूं आज। आज पांच सुपारियों का तिलिस्म बता रहा हूं तुम्हें, आज पांच सुपारियों का राज से पर्दा उठा रहा हूं, पांच सुपारियों का रहस्योद्घाटन कर रहा हूं। आज पांच वो नंबर हैं जो पंचदेव हैं, पंचभूत हैं, पंच प्राण हैं, पंच संस्कार हैं। पांच वो हैं जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। पांच तुम्हारे अंदर के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। वो पांच नंबर सबसे श्रेष्ठ है। और सुपारी, सुपारी के बारे में तो तुम जान नहीं रहे हो आज कि सुपारी से बड़ी कोई वस्तु ही नहीं है पूजा पाठ में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। आज मैं कह रहा हूं कि आपका अपना काम, आपका अपना प्यार पाने का रास्ता बहुत सरल है। आज मैं कह रहा हूं कि पांच सुपारियां आपके अपने जीवन को मधुर बनाएंगी। आज मैं कह रहा हूं कि ये पांच सुपारी एक कपड़े में बांध कर जहां मैं कह रहा हूं वहां रख देने मात्र से आपके जीवन में प्यार भरेगा। पांच सुपारी अगर आप वैसे देखने जाएं तो पांच रुपए की भी नहीं है, यानी पांच रुपए के खर्च में आज आपका प्यार आपका अपना हो जाएगा। आज आपका रिश्ता आपके साथ होगा, आपका पार्टनर, आपका रिश्तेदार, आपका साझेदार या आपका अपना पति, आपकी पत्नी आपके ही हाथ में होगी। जैसे तुम चाहोगे वैसे जीवन चलेगा। जब चिंतन में भिन्नता हो तो कहीं ना कहीं व्यवहार में भिन्नता आ जाती है। अब देखो गलती कहां होती है, गलती होती है फोरकास्टिंग में। फोरकास्टिंग मतलब आपको अपने आप से लगने लगता है कि सामने वाला ऐसा ही सोच रहा होगा। किसी ने आपको देखकर मुस्कुराया, अब इसके अलग अलग भाव हैं। पहला भाव नेगेटिव वाला कि वो मुझे देख के हंस रहे थे। दूसरा भाव पता नहीं क्यों हंसते रहते हैं। तीसरा भाव वो मुझे देखकर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं मुझे देख करके, मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। जब मुझे देखते हैं मुझे मुस्कुरा के मेरा अभिवादन करते हैं, मुस्कुरा के मेरा सम्मान करते हैं, मुझे देख करके मुस्कुरा करके मेरी तरफ से नमन करते हैं, मुझे खुशी होती है उनको मुझे देख करके, वो मेरी उन्नति से खुश हो रहे हैं। अलग अलग भाव है। एक शब्दा अनेक अर्थाह संस्कृत में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि I am only responsible, but I say not what you understand. अरे भाई ये फोरकास्ट करना बंद करो। फोरकास्टिंग से तुम्हारी अपनी लाइफ में, कौन सी फोरकास्टिंग, इस तरीके की फोरकास्टिंग से तुम्हारी अपनी लाइफ में विवाद का जन्म होता है। फोरकास्टिंग से तुम्हारे अपने जीवन में झगड़े और फसाद का जन्म होता है। फोरकास्टिंग से तुम्हारे अपने जीवन में निगेटिविटी और नकारात्मकता का जन्म होता है। फोरकास्टिंग की वजह से तुम्हारी अपनी लाइफ में सारी की सारी चीजें जीरो पर आकर खड़ी हो जाती है। पहली प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, जब आप निगेटिव होते हो, जैसा आपका दृष्टिकोण होता है, जो भी आप सोचते विचार करते हो आपको चारों तरफ वही दिखाई पड़ने लगता है, तो आपको पांच दिन तक कंटिन्यू एक एक सुपारी को अपने मुंह में कम से कम तीन तीन घंटे के लिए रखनी होगी, साबुत छोटी सुपारी। आप अगर पुरुष हैं तो दाहिनी तरफ रखें, आप स्त्री हैं तो बाईं तरफ रखिए। पांच छोटी सुपारियां पांच दिनों तक लगातार एक एक अपने मुंह में रखनी है। अब ये उनके लिए बड़ा आसान होगा जो खिला सकते हैं घिस घिस की। धीरे 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 आराम से खिलाइए महीनों तक, क्योंकि ये दवाई है, धीरे धीरे अंदर जाने दीजिए। जैसे जैसे अंदर जाएगी वैसे वैसे उनका मानस, उनकी मनसा, उनका चिंतन सब शुद्ध होगा और वो विशुद्ध होंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, जिसको तुम वशीकरण कहते हो, अगर खिला सकते हो, जिसको भी खिला सकते। दूसरा तरीका, आप इन सुपारियों को एक साथ मुंह में घड़ी को देख के तीन मिनट तक रख लीजिए और अपने मुंह में सलाइबा अधिक लाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख करके कपूर खूब सारा डाल करके जला दीजिएगा, कम जलेंगी, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा जलाने की। उसके बाद इसे कहीं भी दूर अपने ऊपर से उतार करके जमीन में गड़वा दीजिए। आपका सम्मोहन बढ़ेगा आपकी प्यार के प्रति। जब तुम मिलने जाओगे ना, जब तुम देखोगे पहली बार, जब आंखों से पहली बार आंखों से आंखें मिलेंगी तो बात कुछ और हो जाएगी। इसी में एक चीज और एड ऑन कर सकते हो, जब आप वो सुपारियां जलाओगे सेम टाइम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसकी
की हल्की सी राख आंखों के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ मत लगाइएगा, बाहर की तरफ काजल की तरीके से लगा लीजिए। ये काम आप रात्रि इत्यादि में कर सकते हो, सुबह धुल दीजिएगा। ऐसा करने से, एक बार लगाने से 2.5 साल का सम्मोहन बढ़ जाता है। तीसरा तरीका, इन 5 सुपारियों को रख करके पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अपने इष्ट अपने गुरु का नाम लेकर के पूजा कीजिएगा। पहले गंगा जल से स्नान कराइए, फिर रोली लगाइए, फिर अक्षत लगाइए, फिर पुष्प लगाइए, फिर धूप दिखाइए, फिर दीप दिखाइए, फिर भोग लगाइए, फिर प्रणाम कीजिए। और इनको चावल के साथ लाल कपड़े में करके जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। आपके घर की बरकत कभी भी नहीं जाएगी और आपके घर में बहुत सारा धन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में कोई है जिसको आप अलग करना चाहते हो, तो क्या करें, इन 5 सुपारियों को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन 5 सुपारियों को आप किसी भी कपड़े में करके बहुत 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 गंभीर चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन 5 सुपारियों को किसी भी कपड़े में कर करके आप किसी ऐसे बर्तन में रख दें जहां पर कोई भी उसे स्पर्श ना करे। अपना रोज नहाया हुआ बचा हुआ पानी उसमें चढ़ाएं कम से कम 11 दिन तक। उसके बाद उसे उठा करके कहीं भी जमीन में दबवा दें। ऐसा करने से आपके बीच में आ रहे व्यक्ति, आपके रिलेशंस के बीच में आ रहे लोगों का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। अगर आपको कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा है तो ये 5 सुपारियां अपने ऊपर से उतार करके किसी मिट्टी के छोटे गमले में रखिए और रोज सोच के बाद का पानी उसमें चढ़ाइए और बाद में कहीं जंगल में रखवा दीजिए। ऐसा कम से कम 7 दिन तक करिएगा। ऐसा करने से शत्रु पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति पत्नी के बीच का संबंध बहुत अच्छा चले तो आपको गोबर में गोबर की गौरजा बनाइए और उसमें 5 सुपारियां अच्छी तरीके से दबा दीजिए, अंदर थोड़ी थोड़ी दिखती रहे, और उसमें 41 दिन तक अपनी रिंग फिंगर और अनामिका उंगली और अंगूठा, रिंग फिंगर और थंब को मिला करके डेली सिंदूर चढ़ाइए पांचों में। ओम नमो देव्यै नमः, नमो देव्यै नमः, ऐसा बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देही दिशो जही, ऐसा करके पांचों में एक एक बार कंटिन्यू चढ़ाइएगा। बाद में इसी से सुहाग लेना रोज शुरू कर लीजिए। इसको तुलसी के पास रखेंगे तो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा ये। इससे रोज सुहाग लीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका मैरिटल लाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपको विश्व में कोई अलग नहीं कर सकता। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे मन से करिएगा। अगर आपका रोग है, शारीरिक कोई कष्ट है, मानसिक कोई पीड़ा है, तो ये सुपारियां उतारकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। सेहत के साथ आपका कल्याण होगा। खूब श्रद्धा विश्वास के साथ करना, गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी। खूब मन से करना, खूब विश्वास के साथ करना, आप सफल हो ऐसी शुभकामनाएं करता हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, हर आधे घंटे में पानी पीना। हाँ, पैसों का आदान प्रदान करना मना है। हाँ, ध्यान रखिएगा, एक बार रोने से 21 दिन बर्बाद हो जाते हैं। ये साधना है, ये तपस्या है। तपस्या कब पूरी होगी ये भक्त को नहीं सोचना चाहिए और ना ही इस पर काम करना चाहिए। कंटिन्यूटी, निरंतरता रखें, आप सफल होंगे। आप बहुत खुश रहिए। छोड़कर जा रहा हूँ उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।